आज के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अपन ने जो लेक्चर अपने इस कोर्स का देखा था, कोर्स के चल रहा है अपना पाइथन फॉर बिगनर्स, पाइथन लर्निंग फॉर बिगनर्स का कोर्स में अपन ने देखा था तो पाइथन क्या होती है, प्रोसीजरल भी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है। तो उसी में आज अपन डिफरेंस करने वाले हैं, उनमें डिफरेंस अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें मेन डिफरेंस का क्या होता है, इनके नाम से पता चलता है अपने को। पहला नाम अपना डिफरेंस अपन ने क्या लिखा है, नॉन एस पीओपी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको अपन लिखते हैं पीओपी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको अपन लिखते हैं ओओपी। तो इनका शॉर्ट फॉर्म का ध्यान रखिएगा, अगर आप पाइथन के लिए या फिर किसी भी लैंग्वेजेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैंने पॉइंट क्या बनाया है, डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। क्या होता है, जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, फंक्शंस में डिवाइड होती हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो कौन सी में होती हैं, डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होती हैं, जबकि प्रोसीजरल क्या होती है, फंक्शंस में डिवाइड होती हैं। पहले फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ कोड दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ अपने पास कोड्स होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आता है, और जहां पे भी अपन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वहां पर अपन ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जहां पे भी अपने को फंक्शन बताना है वहां पे अपन ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर ये ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं तो अपन उस चीज को फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये रहेगी अपनी मेन चीज। वहीं पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपन कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, साथ में उसकी क्लासेस बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो कि अपनी क्लास को इंस्टेंस देता है, अपनी क्लास को इंडिकेट करता है एक तरीके से। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और प्रोसीजरल को डिवाइड करते हैं फंक्शंस में। ठीक है, यानी कि मैंने कल बताया था कि छोटे छोटे फंक्शंस के ब्लॉक्स होते हैं उससे अपने कोड को अपन डिवाइड करके रखते हैं। वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, अपन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और इंडिकेट कर देते हैं किसको, एक क्लास को। यानी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास के इंस्टेंस होते हैं। आगे क्या बताया मैंने, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, इट यूजेस टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होता है, जहां पे फंक्शंस की बात आएगी तो सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे, मैंने मान लो फंक्शन मैंने यहां पे बनाया, अब ये जरूरी नहीं है कि अपन पहले फंक्शन वन को एग्जीक्यूट करें, सेकंड को एग्जीक्यूट करें, बट इनके अंदर जो लैंग्वेजेस आती है वो क्या करती हैं, पहले इस फंक्शन को, इसका ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक ऑफ कोड मैंने बताया, फंक्शन का डेफिनेशन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको अपन किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए काम में लेते हैं। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच काम में लेते हैं, इससे होता क्या है, अपना जो प्रोग्राम है वो ऊपर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ऊपर से मतलब जैसे सी, इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया, तो सी का क्या होता है, अपन ऊपर डिक्लेयर करते हैं क्या चीज, अपन ऊपर बताते हैं कि अपने इंटीजर लिया है, ए इंटीजर लिया है, उसको अपन आगे जाके जब यूज करेंगे तो इसको कॉल करेंगे तो वो पता बता देगा कि ए क्या है मेरा, इंटीजर टाइप है। तो इससे पता क्या चला कि टॉप टू बॉटम ये चीज चलती है, जो भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी अपना प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है, कहां से, टॉप से लेके बॉटम तक, यानी पहले अपने उस साइड से बतानी होती है, उसके बाद अपन इस चीज को यूज कर पाते हैं। तो वही है, क्या करता है, पहले ऊपर से चेक करता आएगा वो चीज यहाँ पे है, नीचे जब इसको कॉल किया तो ऊपर से चेक करना स्टार्ट करेगा, जहां पे वो चीज मिलेगी वहां पे वो चीज इंप्लीमेंट कर देगा। बट वहीं पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करती है। बॉटम टू टॉप मतलब सारा प्रोग्राम ऊपर लिखेंगे तो ऊपर से लिखेगी, बट क्या करेगा, जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, तो मैंने क्लास बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैं नीचे आ गया, और जब मैंने जब ऑब्जेक्ट को कॉल किया है तो ऑब्जेक्ट को कॉल करने के बाद कहां जाएगा, वापस क्लास पे जाएगा। अब क्लास को ये सर्च करेगा नीचे से ऊपर एक साइड की, इसको इस ऑब्जेक्ट की क्लास कहां पे मिली वहां पे इसको चेक करेगा और एग्जीक्यूट अपने करवा देगा। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या यूज करती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करती है, यानी प्रोग्राम अपना टॉप से लेकर बॉटम में एग्जीक्यूट होगा। वहीं पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करती है, इसमें क्या होगा, प्रोग्राम नीचे से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा और पूरा प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, लेस मेमोरी नीडेड होती है इनको। लेस मेमोरी मतलब यहाँ पे वो मेमोरी नहीं है कि अपन जैसे बात करें कि अपन को पेन ड्राइव में डाटा डालना, वो वाली मेमोरी नहीं है, इसमें मेमोरी यूज होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अपन जब कोई वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ऐसी वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, चेंज होती है, अपने हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट हर लैंग्वेज में अलग अलग कंडीशन होती है कि वेरिएबल की वैल्यू अपन कब अपडेट कर सकते हैं। जैसे सी की बात करूं तो अपने को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि इंट ए है तो ए की वैल्यू इंटीजर रहेगी, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। बट अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं पाइथन, पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, अपन ए को उसको 1 दे दिया, जब उसको प्रिंट करवाया ए को तो वैल्यू 1 आएगी, वहीं पे नीचे मैंने ए को उसको 2 दे दिया तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा ए को तो उसके अंदर वैल्यू मेरी आएगी 2। इसको अपन डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं,
डायनेमिक टाइपिंग होते हैं पाइथन के अंदर, बट वहीं पे क्या होता है सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो वैसे क्या बता रहा हूँ मैं, नीड्स लेस मेमोरी। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब अपन वेरिएबल को वैल्यू अवेलेबल करवाते हैं तो वो अपनी लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मैं बात करूं तो वो क्या करता है मोर मेमोरी कंज्यूम करता है, उसकी मोर मेमोरी यानी ज्यादा मेमोरी को वहां पे स्टोर करवाता है, ज्यादा स्पेस वहां पे लेता है अपने सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूव फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। सिंपल सी बात है, जब मैंने बोला डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस में डिवाइडेड है, तो क्या करेगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी अपना प्रोग्राम होगा वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जंप करेगा और वहीं से अपने को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ये कि प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट हो रहा है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे चल रहा है और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू है। बट वहीं पे यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना क्या लिखा है, मैंने लिखा फंक्शन दैट ऑपरेट डाटा बाइंड टू फॉर्म क्लासेस। जो डाटा ऑपरेट कर रहा है फंक्शन वो किसके लिए बाइंड होता है, क्लासेस के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जब ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया है तो ऑब्जेक्ट को अपन तब तक यूज में नहीं ले सकते, तब तक कॉल नहीं कर सकते जब तक उसका क्लास अपने पास नहीं है। सीधी सी बात यह है, जब तक अपने पास क्लास नहीं है अपन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो बात सिर्फ इतनी याद रखो कि जो भी ऑब्जेक्ट है अपने को जब उसको कॉल करना है, यानी यहाँ पे फंक्शन की जगह अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो ऑपरेट होता है, डाटा जो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑपरेट होता है वो किसके लिए बाइंड होता है, क्लास को फॉर्म करने के लिए। सिंपल सी बात है, अपन जब ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो अपने को क्लास की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बोलते हैं, इसको क्या होता है लेस सिक्योर होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि वीक होती हैं, जो कि लेस सिक्योर होती हैं, लेस सिक्योर इन द वे कि ये अपने लिए एक तरीके से मतलब मोर सिक्योर ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे अपन प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें अपने को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाती, बट वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो अपने लिए सिक्योर होती है, अपने को अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है सी, इसका एग्जाम्पल लिखा है C++ और जावा। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि पाइथन किस चीज का एग्जाम्पल है। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि पाइथन अपना प्रोसीजरल को भी फॉलो करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी फॉलो करता है। कैसे? अपन आगे पढ़ेंगे कि पाइथन जो है उसके अंदर अपन फंक्शंस भी बनाते हैं और उसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस भी बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपना पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट भी बनाता है, क्लासेस भी बनाता है और फंक्शंस भी बनाता है। तो सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है, पाइथन जो है वो प्रोसीजरल भी है और प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, इस लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।